आज हम बनाएंगे मोहरम स्पेशल खिचड़ा। सबसे पहले हम डालेंगे चने की दाल, अभी हम डालेंगे उड़द की दाल, अभी हम इसमें डालेंगे चौली और इसमें डालेंगे हम मूंग की और तुअर की दाल, ये मिक्स है। ये सभी दालों को हमने भिगो के रखे थे 2 से 3 घंटे के लिए। मसूर की दाल, चावल, इन 2 चीजों को भिगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, पानी। ये है दलिया, गेहूं का टुकड़ा, इसको हम बाद में डालेंगे, आधी जब दाल गल जाएंगी फिर इसको डालेंगे हम दलिये को। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके अभी हम इसको 3 सीटी लगा के पका लेंगे। अभी हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है, अभी हम खिचड़े में डालने के लिए गोश्त का सालन बना लेंगे। तेल, 2 बड़ी इलायची, जावित्री, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी और 2 स्टार वाले फूल। अभी इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। अभी हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन, अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च, पिसी हुई हरी मिर्च, पिसा हुआ टमाटर। अभी इन सब मसालों को अच्छे से हम पका लेंगे। अभी हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे उबला हुआ गोश्त। अभी हम गोश्त को अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। अभी हमारा सालन अच्छे से पक चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे दाल। अभी हमारा खिचड़ा बन चुका है, अभी हम इसमें कोथमीर पुदीना डाल के सजा लेंगे। पुदीना, कोथमीर, हरी मिर्च, कटी हुई अदरक, और इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। ये हमारे खिचड़े का फाइनल लुक।